Hello friends, welcome to your educational channel Estuary Through Math. Please subscribe and share. Let's start today's topic. Friends, upcoming important competitive exam को देखते हुए हम लोग एक नया करंट अफेयर सीरीज का शुरुआत करने जा रहे हैं. इसमें हम लोग वीकली बेसिस पर जितने भी इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स होंगे उसको एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे. इसमें हमारा न्यूज जनवरी 2019 से कवर होगा, लेकिन इसको हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 19 अगस्त से. आने वाले सीरीज में सारा इन्फॉर्मेशन कवर अप हो जाएगा और इसमें हमारा सोर्स होगा द हिंदू न्यूज़पेपर, जीके टुडे, ऑनलाइन तैयारी ऐप विजन आईएएस और बाबा आईएएस से. और फ्रेंड्स, आपको यदि क्वेश्चन का क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो आप कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें. चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं. तो फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं. जैसा कि लिखा हुआ है कि रिसेंटली बियारिच सिटी वाज इन न्यूज, इट इज़ लोकेटेड इन, मीन्स दैट कि बियारिच सिटी अभी न्यूज़ में था तो ये कहाँ पर अवस्थित है. तो फर्स्ट ऑप्शन है अपना रसिया, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, उसके बाद चौथा ऑप्शन है जर्मनी. तो आप करेक्ट आंसर वीडियो पॉज करके अपना खुद का जरूर दें, हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसके बाद ही आप अपना आंसर सुने. तो इसमें करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका फ्रांस. फ्रांस है, फ्रांस में ब्रिज एक सिटी है. यहाँ पर अभी G7 का 45th समिट हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से स्पेशल गेस्ट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट किए, तो आप इसलिए रिमेंबर इसको रख सकते हो. उसके बाद चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है कि वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स को कौन रिलीज करता है. तो जैसे कि यहाँ पहला है CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके बाद है सेंट्रल वाटर कमीशन, उसके बाद है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके बाद है नीति आयोग. इसमें फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है आपका डी, नीति आयोग. नीति आयोग ही वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स को रिलीज करता है. इसका जो कंप्लीट नेम है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स नाम है, तो आप ये भी रिमेंबर रख सकते हैं कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स. इसको नीति आयोग रिलीज करता है. इसको अभी हाल में ही रिलीज किया गया है इसका सेकेंड एडिशन. इसमें गुजरात टॉप किया है स्टेट में और अरुणाचल स्टेट में सबसे लोएस्ट रैंक पे रहा है. यदि ओवरऑल की बात की जाए तो गुजरात टॉप किया है, और लोएस्ट की ओवरऑल की बात किया जाए यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड करते हुए तो दिल्ली को सबसे लास्ट रैंक मिला है, तो आप रिमेंबर रख सकते हैं. उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे. अगला क्वेश्चन है अपना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से रिलेटेड. तो कह रहा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, क्या है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक यूनाइटेड नेशन का बॉडी और इंटरनेशनल फोर्स टू कैच मनी लॉन्डरर, मतलब एक इंटरनेशनल फोर्स मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले व्यक्ति को पकड़ने के लिए. इसका करेक्ट आंसर है आपको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. यह एक अंतर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है. इसको G7 कंट्री के इनिशिएटिव पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कम्बैट करने के लिए बनाया गया था, तो आप इसको रिमेंबर रखेंगे. इसका इंडिया भी जो है एक मेंबर कंट्री है, और FATF का जो है आपको एशिया में एक ब्रांच है इसका, जिसका नाम है एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग. एशिया पैसिफिक मनी ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग ने ही अभी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में इंक्लूड किया है, तो आप इसको रिमेंबर रख सकते हैं. FATF का हेडक्वार्टर OECD के हेडक्वार्टर बिल्डिंग में ही अवस्थित है, लेकिन आपको FATF ना ही तो OECD का पार्ट है, ना ही तो कोई NGO है, ना ही तो ये यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आता है, लेकिन इसे यूनाइटेड नेशन का वॉच डॉग मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए कहा जाता है, तो आप इसको रिमेंबर रखेंगे. इसमें क्या होता है, FATF में जो भी इसके मेंबर कंट्री होते हैं वो पीयर टू पीयर रिव्यू करते हैं, मतलब एक दूसरे का म्यूचुअल जो है एवेल्युएशन मींस दैट मूल्यांकन करते हैं, और जो FATF के द्वारा कंडीशन निर्धारित होता है उसके आधार पर मूल्यांकन करते हैं, और FATF को रिपोर्ट जो है ये लोग सौंपते हैं. उसके आधार पर FATF किसी भी कंट्री को ग्रे और ब्लैक लिस्ट में रखती है या उसे रिमूव कर देती है. उसके बाद चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे. जैसा कि आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा है
इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों के आधार पर? तो फर्स्ट ऑप्शन जैसा आपको है यूएसए, दूसरा ऑप्शन है रसिया, तीसरा ऑप्शन है चाइना और चौथा ऑप्शन है यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इसमें फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है चाइना। चाइना इंडिया का सबसे बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो आपको ये बात रिमेंबर रखना है। यदि और देखें तो और कौन कौन सा है, तो जैसा कि देख रहे हैं अपना चाइना के बाद सबसे बड़ा बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यहाँ है, चाइना के बाद यूएसए, उसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात, उसके बाद सऊदी अरबिया। ट्रेडिंग पार्टनर की बात करें तो यदि हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आधार पर बात करें तो एक्सपोर्ट के आधार पर इंडिया जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है वो यूएसए को करती है, उसके बाद सबसे ज़्यादा यूनाइटेड अरब अमीरात, उसके बाद चाइना, उसके बाद हांगकांग। तो ये भी आप जरूर रिमेंबर रखेंगे, ये भी पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में। इंपोर्ट के आधार पे बात करें तो इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से करती है, तो चाइना से करती है, उसके बाद यूएसए से करती है, उसके बाद सऊदी अरबिया से, उसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात से करती है। एशियन कंट्री में बात किया जाए तो एशियन कंट्री में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया सिंगापुर को करती है। इंपोर्ट कहाँ से करती है सबसे ज़्यादा, इंडोनेशिया से करती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पाम ऑयल का बहुत ही भारी मात्रा में इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है। यदि इनके पड़ोसी देश में कहा जाए नेबर कंट्री में, तो अफगान के साथ ये जो है ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर पड़ोसी में अफगान है। इंडिया जो है विश्व का सेवनटीन्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट के आधार पर इकोनॉमी है। इंडिया का इकोनॉमी एक्सपोर्ट के आधार पर जो है 17वां स्थान पर है, और यदि इंपोर्ट के आधार पर कहा जाए तो इंडिया का स्थान जो है 11वां पर है, 11th पर है इंपोर्ट के आधार पर। तो आपको ये बात रिमेम्बर रखना है। तो हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन G7 कंट्री से रिलेटेड। इसमें कहा जा रहा है कि आपको G7 कंट्री का मेंबर्स कौन कौन है, तो आपको बताना है इसमें। जैसे कि पहला ऑप्शन में आप देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि कनाडा, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद यूएसए, उसके बाद रसिया, उसके बाद यूके, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद दूसरा ऑप्शन में दिया है यूरोपियन यूनियन, उसके बाद जापान, फ्रांस एंड टर्की, उसके बाद सी ऑप्शन में दिया हुआ है यूएसए, यूके, इटली, जर्मनी एंड फ्रांस, उसके बाद दिया हुआ है डी ऑप्शन में जापान, जर्मनी, नॉर्वे, यूएसए, इटली। तो आपको फ्रेंड इसमें से कौन सा कंट्री जो है, कौन सा इसमें जो सीरीज है वो करेक्ट है, कौन सा कंट्री इसका मेंबर है आपको बताना है, सीरीज करेक्ट है। तो आप सोचें तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट जो है सी वाला सीरीज है, यूएसए, यूके, इटली, जर्मनी एंड फ्रांस इसका मेंबर कंट्री है। और यदि आग ऊपर में कौन गलत क्यों है ऊपर वाला ऑप्शन, तो इसमें कनाडा, फ्रांस, यूएसए तो है लेकिन रसिया नहीं है आपको, क्योंकि रसिया को क्राइमिया वाला इशू लेकर के इसे निकाल दिया गया G8 के समूह से, अब इसीलिए G7 बन गया है। और नीचे वाले देखें तो इसमें यूरोपियन यूनियन भी इनका मेंबर नहीं है, हालांकि यूरोपियन यूनियन जो है न्यूमरेटेड मेंबर है, लेकिन तुर्की तो किसी भी हालत में इसका मेंबर है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जा रहा है ए बी। उसके बाद डी वाला क्यों गलत है, तो डी वाले में देखें तो इसमें जापान, जर्मनी है लेकिन नॉर्वे जो है इसका मेंबर नहीं है, तो इसीलिए गलत हो जा रहा है, इसीलिए आपका आंसर करेक्ट आंसर सी हो जा रहा है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें सॉरी, तो हम लोग पहले इसका मेंबर देख लेते हैं फ्रेंड्स कितने मेंबर हैं। यदि मैप पर आप विजुअलाइज करेंगे तो G7 कंट्री में यदि अमेरिका की तरफ से चले तो कनाडा ऊपर में सोच ले, उसके बाद यूएसए है, उसके बाद यूरोप में आते तो यूके, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद उसके नीचे फ्रांस, उसके नीचे जर्मनी, उसके नीचे इटली, एशिया में आते हैं तो जापान, इतने कंट्री इसके मेंबर है। लेकिन यूरोपियन यूनियन जो है इसके नॉन न्यूमरेटेड मेंबर है, नॉन न्यूमरेटेड मेंबर है, आप रिमेंबर रखेंगे। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जैसा कि आपको दिख रहा है कि रिसेंटली द टर्म ग्रेट रियल एस्टेट डील वॉच इन न्यूज, रिसेंटली जो है एक टर्म है ग्रेट रियल एस्टेट डील बहुत चर्चा में था, यह किससे संबंधित है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है यूएसए जापान के रिलेशन से, उसके बाद यूएसए नॉर्थ कोरिया के, उसे के बाद इंडिया चाइना, उसके बाद यूएसए ग्रीनलैंड। तो फ्रेंड इसमें आपका करेक्ट आंसर है आपको यूएसए ग्रीनलैंड, क्यों, तो यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को
खरीदने का प्रयास किया था। उनका इच्छा था कि वो ग्रीनलैंड को खरीदे। ग्रीनलैंड जो है आपको डेनमार्क का इकोनॉमिक टेरिटरी है, तो इनको खरीदने का प्रयास किया था, जिसको मना भी कर दिया गया डेनमार्क के द्वारा। तो इसीलिए इस ग्रीनलैंड को जो खरीदने की प्रक्रिया थी, उससे ही द ग्रेट रियल एस्टेट डील का संज्ञा दिया गया। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले तो इससे पहले फ्रेंड्स हम लोग ग्रीनलैंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसा कि एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि ग्रीनलैंड एक ऑटोनॉमस कंट्री है, किसका? डेनमार्क का। इसका कैपिटल नुक है, किसका? ग्रीनलैंड का, है ना। कहा जा रहा है यद्यपि ग्रीनलैंड जो है आपको नॉर्थ अमेरिका का फिजिकली रूप से पार्ट है, लेकिन पॉलिटिकली और कल्चरल रूप से यह यूरोप से संबंधित है। इनका पीएम, ग्रीनलैंड का पीएम किंग कैल्सन है, तो आप इसको रिमेम्बर रखेंगे। तो इस तरह आपका आंसर जो था डी हो गया था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कहा जा रहा है कि अभी हाल में जो है अपना पी चिदम्बरम जी को पकड़ा गया था, तो किस केस से संबंधित है? पी चिदम्बरम को अरेस्ट किया गया था सीबीआई के द्वारा, किस केस से के लिए? तो ऑप्शन है, पहला ए में टेलीकम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम स्कैम, मतलब टेलीकम्युनिकेशन का स्पेक्ट्रम घोटाला। उसके बाद ऑप्शन है आपको प्रसार भारती का केस। उसके बाद ऑप्शन है आईएनएक्स मीडिया केस। उसके बाद है फॉक्स स्टार स्टूडियो से संबंधित केस। तो फ्रेंड्स इसमें करेक्ट आंसर है आपको आईएनएक्स मीडिया केस वाला, सी। पी चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई और ईडी के द्वारा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा अरेस्ट किया गया। इसमें कहा गया है कि इनके जो सन थे पी चिदम्बरम के, वो इसमें इन्वॉल्व थे, इसीलिए पी चिदम्बरम को भी इसके लिए कल्प्रिट माना गया। यदि इसका हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखें, तो एक्सप्लेनेशन में जैसा कि लिखा हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस को, आईएनएक्स मीडिया वाले केस को, जो है एक क्लासिकल केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग माना है, तो आप रिमेम्बर रख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पर जैसा कि दिख रहा है आपको एट में, बी पाल या भैपाल रेजिमेंट, भैपाल रेजिमेंट जो था अभी चर्चा में था, ये किससे रिलेटेड है आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जैसा कि दिख रहा है ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। सेकेंड ऑप्शन है गंगा रिवर के वाटर को ट्रीटमेंट करना। सी ऑप्शन है एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम को कम करना या उससे संबंधित है। डी ऑप्शन है एक्सडीआर ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की जो बीमारी होती है उससे ये संबंधित है भोपाल रेजिमेंट। तो आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है आपको डी, एक्सडीआर ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट से ये जो है बाइपाल या बीपाल रेजिमेंट संबंधित है। इसका इन्फो एक्सप्लेनेशन देखें, तो जैसा कि एक्सप्लेनेशन में दिख रहा है कि अभी हाल में ही यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का एक फूड्स एंड ड्रग एजेंसी है, उसने इस बाइपाल रेजिमेंट को अप्रूव किया है, किसके लिए? एक्सडीआर टीबी के ट्रीटमेंट के लिए। यह जो है बाइपाल रेजिमेंट में तीन मेडिसिन होता है, एक होता है बेडाक्लिन, दूसरा होता है प्रिटोमैनिड और तीसरा है लैनोजोलिड। ये तीनों का यह एक समूह है भोपाल रेजिमेंट। यह जो है ओरल रूप से, मतलब टेबलेट के रूप में इसे दिया जाता है पेशेंट को, यह बहुत ही इफेक्टिव होता है। लगभग इसका सक्सेस रेट जो है एक्सडीआर टीबी में 90% है, तो इसको आप रिमेम्बर रख सकते हैं। उसके बाद जो है साथ ही साथ इसमें जो इफेक्टिव तो होता ही है भोपाल रेजिमेंट, साथ ही साथ इसमें कम समय भी लगता है, 6 महीना में, 6 मंथ में ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को जो एक्सडीआर से संबंधित होता है उसको ट्रीट कर देता है। पहले क्या होता था, लगभग 24 से 25 मंथ जो है एक्सडीआर टीबी वाले में ट्रीटमेंट होने में लग जाता था, जो बहुत ही पेनफुल होता था। तो इसलिए इसे अच्छा मेडिसिन माना जा रहा है अभी, तो आप भोपाल रेजिमेंट को रिमेम्बर रख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि रिसेंटली एडवांस्ड कंट्रीज G7 समिट हेल्ड इन फ्रांस, मतलब एडवांस कंट्रियों का G7 ग्रुप जो है उसका समिट फ्रांस में हुआ, इसके बारे में आपको जो है बताना है। इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द लीडर्स डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन समिट, कौन सा जो है राजनेता इस समिट में, G7 के समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया, आपको बताना है। तो चलिए अपना ऑप्शन देखते हैं। पहला है एंजेला मार्केल, दूसरा है बोरिस जॉनसन, तीसरा है नरेंद्र मोदी, उसके बाद डी वाला है इमरान खान, उसके बाद ई में है वाल्मीदार पुतिन, वाल्मीदार पुतिन। तो आपको फ्रेंड्स बताना है इसमें से कौन सा लीडर
जी समिट, जी सेवन के समिट जो हुए अभी फ्रांस के वैर सिटी में, इसमें कौन सा लीडर पार्टिसिपेट नहीं किए? इसमें करेक्ट आंसर फ्रेंड्स जो हम लोग चुनेंगे, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रसिया जी सेवन का मेंबर नहीं है, तो ऑटोमेटिक है रसिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि इसे निकाल दिया गया, तो किसी भी हालत में ये पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता है। तो इसका अपना जिसमें देखते हैं ई वाला, तो बहुत सारे में है। उसके बाद देखते हैं नरेंद्र मोदी को, तो जानते ही हैं नरेंद्र मोदी को स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बुलाया गया था, इसलिए जिसमें सी होगा तो वो तो हट ही जाएगा ऑप्शन। उसके बाद बोरिस जॉनसन, अभी नया प्रधानमंत्री बना है यूनाइटेड किंगडम का, इसलिए आपको रिमेम्बर रखना ये ज़रूरी है। तो बोरिस जॉनसन, तो बी वाला हम लोग देखें तो बी वाला बोरिस जॉनसन तो पार्टिसिपेट करेगा, तो इसलिए बी वाला भी नहीं होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, तो आगे एंजेला मार्केल है, तो एंजेला मार्केल का ऑप्शन इसमें तो दिया हुआ था, ए बी दिया हुआ था, तो ऐसे भी ये खत्म हो गया। तो अपने पास बचा डी वाला और ई वाला, तो ई तो हम लोग जानते ही नहीं पार्टिसिपेट किया, और पाकिस्तान भी नहीं पार्टिसिपेट किया, क्योंकि इसके जो गेस्ट मेंबर कंट्री थे उसमें भी पाकिस्तान को बुलाया नहीं गया था। तो आप ये मेंबर रखेंगे, सिर्फ इंडिया को यहाँ से इस क्षेत्र से बुलाया गया था, साउथ एशिया वाले क्षेत्र से। तो आप इसमें रिमेंबर रखेंगे कि ना ही तो पाकिस्तान पार्टिसिपेट किया था, ना ही रसिया, मतलब वाल्मीदार पुतिन और इमरान खान दोनों, मतलब अपना आंसर जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, आपको रिमेंबर रखना है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनडायरेक्ट वे में फ्रेंड, इसलिए आप तैयार रहें इस तरह के क्वेश्चन के लिए। यदि हम लोग आगे देखें इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन में जैसे कि आपको दिख रहा है कि कौन कौन सा लीडर पार्टिसिपेट किए, तो कनाडा के पीएम जस्टिन टेरेडो, यूएसए तो जानते ही पार्टिसिपेट करेगा, यूके का बोरिस जॉनसन, जर्मनी के एंजेला मार्केल पार्टिसिपेट करेगा ही, फ्रांस का एमलियन वहाँ हुआ तो वहाँ के मैक्रोन जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, इटली का जो है आपको कॉन्टे है प्रेसिडेंट, गिस्पे कॉन्टे, यूरोपियन यूनियन जो एक समूह है उसका डोनाल्ड टस्क प्रेसिडेंट है, तो ये भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं नॉन न्यूमरेटेड मेंबर के। जापान तो करेगा, शिंजो आबे इसके प्रधानमंत्री है। तो उसके बाद गेस्ट के तौर पर किने किने बुलाया गया, तो आप देख सकते हैं चाइली, स्पेन, इजिप्ट जिसको मिस्र कहते हैं, उसके बाद सेनेगल, बुर्किना फासो, रवांडा, साउथ अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो आप देख रहे हैं इस क्षेत्र से, साउथ एशिया वाले क्षेत्र से आपको सिर्फ इंडिया को बुलाया गया था। तो उसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड, जैसा कि आपको दिख रहा है कि कह रहा है कि हाल में ही रिसेंटली जिब्राल्टर वाज इन न्यूज, जिब्राल्टर जो था न्यूज में था क्योंकि ईरानियन ऑयल टैंकर ग्रेस वन जो था उसको सीज कर लिया गया था, इसलिए जिब्राल्टर न्यूज में था। तो जिब्राल्टर टेरिटरी किसका है, जिब्राल्टर किस देश के अंतर्गत आता है आपको बताना है। जैसा कि आपका ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्पेन, उसके बाद यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और पुर्तगाल। तो इसमें आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होना चाहिए यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का जो है पुर्तगाल जो है, सॉरी जिब्राल्टर जो है इकोनॉमिक टेरिटरी और यह टेरिटरी है, तो आपको ये रिमेंबर रखना है। हालांकि सॉरी जिब्राल्टर जो है आपको मेडिटेरेनियन सी मैप में देखेंगे तो आपको जो स्पेन है उसी का नीचे ये लगा हुआ है, मतलब उसी से सटा हुआ है, स्पेन के ही साथ सटा हुआ है, मेडिटेरेनियन सी की तरफ से बहुत छोटा सा एक पार्ट है जिब्राल्टर, लेकिन यह किसके अधीन है, तो यूनाइटेड किंगडम के अधीन है, ये आपको रिमेंबर रखना है जिब्राल्टर, है ना। तो यहीं पर क्या हुआ था, अभी हाल में ही ईरान का एक ऑयल टैंकर जा रहा था जिसका नाम ग्रेस वन था, तो इसको सस्पिशन के आधार पर पकड़ लिया गया, कहा गया कि यह जो है सीरिया को ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था, जो कि सीरिया पर यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंध लगा रखा है वहाँ के डेमोक्रेटिक टर्मोइल के कारण, कि उसे कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि वह पूर्णतः से शांत और डेमोक्रेटिक आधार पर नहीं हो जाता, और सारे कारण से भी उन पर प्रतिबंध लगाया गया, इसलिए इसको जो है ग्रेस वन को पकड़ लिया गया था। तो आप ये रिमेंबर रखेंगे। हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो आगे है आपका, कहा जा रहा है कि रिसेंटली दलित कम्युनिटीज़, यहाँ छोटा सा लिखा हुआ है फ्रेंड्स, बहुत कंजस्टेड है, लेकिन आप गौर से देखिए दलित लिखा हुआ है। रिसेंटली दलित कम्युनिटी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट डेमोलिशन ऑफ गुरु रविदास टेम्पल, मतलब अभी हाल में ही गुरु रविदास टेम्पल को जो है ध्वस्त कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध में दलित कम्युनिटी जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो यह गुरु रविदास टेम्पल कहाँ पर अवस्थित है और यह जो आंदोलन हो रहा है प्रोटेस्ट कहाँ पर हो रहा है, तो जैसा कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो इसमें फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा आपका दिल्ली।
आपको रिमेंबर रखना है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या हुआ, यहाँ पर एक तुगलकाबाद है दिल्ली में, वहीं पर गुरु रविदास का टेम्पल था, उनको जो है म्यूनसिपैलिटी के द्वारा डेमोलिश कर दिया गया, जिसके विरोध में दलित कम्युनिटी जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि उसे क्यों डेमोलिश किया गया, तो आप इसको रिमेंबर रख सकते हैं। और यदि हम गुरु रविदास के बारे में जाने तो गुरु रविदास जो थे एक यह मैजेस्टिक पोएट थे, गुरु रविदास एक इंडियन मैजेस्टिक पोएट थे, इनका संबंध भक्ति मूवमेंट से था, लगभग 15 से 16 शताब्दी के आसपास, तो आप इसमें इसको रिमेंबर रख सकते हैं। यह जो थे गुरु रविदास जी, ये लोअर कास्ट फैमिली में बॉर्न हुआ था इनका, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड में 1450 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, है ना। इसको नॉर्थ इंडिया में लोएस्ट वर्ग का गुरु माना जाता है, तो आप इसको रिमेंबर रख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो थे सोशल रिफॉर्मर का भी काम करते थे, स्पिरिचुअल फिगर के रूप में भी इनका जो था कद ऊंचा था। और साथ ही साथ गुरु रविदास के जो पोएम थे, सॉन्ग थे, भजन थे, उसको हिंदू के पंचवाणी और सिख के गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूड किया गया है, तो इसको आप रिमेंबर रखेंगे। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपना कहा जा रहा है कि इन अगस्त 2019 अमेजन कम इंक, मतलब 2019 के अगस्त में अमेजन जो ऑनलाइन कंपनी है, उसने एक विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कैंपस फैसिलिटी खोला है, कहाँ पर, तो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास नोएडा, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद बेंगलुरु, उसके बाद हैदराबाद। तो फ्रेंड्स इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा डी, हैदराबाद। अभी क्या हुआ है, अमेजन कम इंक जो विश्व का बहुत ही बड़ा एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, और यह एक लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है ई कॉमर्स के लिए, इसने विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कैंपस जो है भारत के हैदराबाद तेलंगाना में खोला है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, तो आप इसको रिमेंबर रखेंगे। ये जो है आप अमेजॉन, इसका ओरिजिनल हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन में अवस्थित है, और इसका चेयरमैन कौन है, जेफ बेजोस है, तो आप रिमेंबर रख सकते हैं, पूछा जा सकता है पीसीएस एग्जाम में। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एक्टर, मतलब निम्नलिखित में से किस इंडियन एक्टर को फोर्ब्स लिस्ट 2019 में टॉप 10 हाईएस्ट पेड एक्टर में सम्मिलित किया गया, मतलब सबसे ज़्यादा जो है इनको पैसा मिलता है, टॉप 10 हाईएस्ट पेड एक्टर हीरो के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन आपके पास है शाहरुख खान, अक्षय कुमार, आमिर खान और रणवीर सिंह, इसमें करेक्ट आंसर है अक्षय कुमार। फ्रेंड्स अक्षय कुमार को फोर्ब्स लिस्ट में जो है टॉप 10 हाईएस्ट पेड एक्टर में इंक्लूड किया गया है, यही एकमात्र इंडियन एक्टर है जिसे सम्मिलित किया गया, हीरोइन में कोई भी टॉप 10 में इस बार नहीं जो है इंक्लूड किया गया, तो आपको रिमेंबर रखना है। और फोर्ब्स लिस्ट के यदि टॉप में देखें तो टॉप में एक जो है आपको अमेरिकन एक्टर्स है जिसका नाम है आपको द्वियाने जॉनसन, उन्हीं को इंक्लूड किया गया है, द्वियाने जॉनसन है जो आपको यहाँ दिख रहा है, द्वियाने जॉनसन उनको इंक्लूड किया है। यदि हीरोइन में कहा जाए एक्ट्रेस में तो स्कारलेट जॉनसन, ये भी यूएसए का, दोनों को टॉप में रखा गया है, जबकि अक्षय कुमार फोर्थ रैंक पर है, इसको $65 मिलियन रुपया जो है ये अर्न करता है, या सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाला हीरो है। यदि फोर्ब्स मैगजीन के बारे में देखा जाए तो यह फोर्ब्स मैगजीन को यूएसए से प्रकाशित किया जाता है, एक यह बिजनेस मैगजीन है और यह बाई वीकली मतलब द्विसाप्ताहिक रूप से प्रकाशित किया जाता है, मतलब 14 डेज पर एक बार। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा फ्रेंड्स आपको दिख रहा है 14 में है, और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिख रहा है कि आइडेंटिफाई करना है रॉन्ग पेयर को, गलत कौन सा गलत सम्मिलित है या मैच है, फिडोर या स्केबोट F-18-850 क्या है, एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसको रशिया स्पेस में लॉन्च किया है, दूसरा ऑप्शन है आपको मेयर ओरिएंटल बेसिन और अपोलो क्रेटर्स किससे संबंधित है, यह एक फिजियोग्राफी है मार्स प्लेनेट पे मंगल ग्रह पर यह जो है एक जो है आकृति है। उसके बाद सी में है कि चेर्नोबाइल ऑन आइस और न्यूक्लियर टाइटेनिक अभी न्यूज में था, मतलब ये किससे संबंधित आपको बताना है,
यह एक रसिया का फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसका नाम एकेडमिक लोमोनोसोव है। और उसके बाद लास्ट में है अदि महोत्सव। अदि महोत्सव कहाँ से संबंधित है, तो इसमें लिखा है एक नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है जिसको अभी हाल में ही लद्दाख, लेह लद्दाख में हुआ था। तो इसमें से आपको फ्रेंड्स रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें फ्रेंड्स रॉन्ग जो है बी वाला है। मेयर ओरिएंटल बेसिन और ऑप्लो क्रेटर्स जो है ये आपको मून पर है। अभी ये इसलिए न्यूज में है या इसलिए जानना इम्पोर्टेंट है कि इंडिया का जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था उसका जो है रोवर विक्रम, सॉरी लैंडर विक्रम ने इसका फोटो क्लिक करके भेजा है इस क्रेटर का, मेरिए ओरिएंटल बेसिन और अपोलो क्रेटर्स का पहली बार फोटो भेजा, इसलिए ये बहुत चर्चित है, तो आप इसको रिमेंबर रखेंगे। और फिदोर तो ये से फिदोर जो है लिखा हुआ ये करेक्ट है फ्रेंड्स, ये सब और सब सम्मिलित सही है। जैसे हम लोग थोड़ा जान ले न्यूज़ में, तो फिदोर जो है, फिदोर का पूरा नाम जो है फाइनल एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑब्जेक्ट रिसर्च है। ये जो है रसिया के द्वारा एक तैयार किया गया रोबोट, ह्यूमैनॉइड रोबोट है जिसको स्पेस में छोड़ा गया है, वहाँ पर ये जो है एक्टिविटी करेगा, रिसर्च करेगा, ये सब करेगा। और विक्रम लैंडर तो हम लोग जान ही रहे हैं, अभी भेजा था आपको मेयर ओरिएंटल बेसिन और अपोलो क्रेटर का पिक्चर भेजा था फर्स्ट टाइम। उसके बाद यदि हम लोग सी देखते हैं, सी के बारे में, तो सी में है ग्रीन पीस एक NGO है, उसने जो रसिया जो अभी एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है विश्व का पहला, तो उसके बारे में कहा था कि यह जो है फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसका नाम है एकेडमिक लोमनोसोव है, यह चेर्नोबिल ऑन आइस है और न्यूक्लियर टाइटेनिक है। इन दो नामों की संज्ञा ग्रीन पीस ने इन्हें दिया और इन्वायरमेंटलिस्टों ने इसको दिया, चेर्नोबिल ऑन द आइस और न्यूक्लियर टाइटेनिक इसको बोला गया है ग्रीन पीस और इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा, तो इसलिए आप रिमेंबर रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग अदि महोत्सव के बारे में देखें, तो अदि महोत्सव जो है आपको अभी लेह लद्दाख में हुआ था, इसको ऑर्गेनाइज कौन किया गया था, तो अपना जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री और साथ में एक इसी के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है ट्राइबल के TIRFT टाइलफेड, इन दोनों ने मिलकर किया था। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक में इतना ही है, बाद में हम जो है जो भी हमारा जनवरी से है छुटा हुआ उनको हम अगले आने वाले सीरीज में एक एक कर करके कवर करते जाएंगे। फ्रेंड्स तो इस टॉपिक को यही ख़त्म करते हैं, फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे फुल ऑफ जॉय।